परिवार नियोजन की अस्थायी साधन त्रैमासिक अंतरा इंजेक्शन और साप्ताहिक गोली छाया की सुविधा अब लाभार्थियों को घर के नजदीक ही मिल सकेगी। इसी माह से जिले के 20 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और 6 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इसकी सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा कि जिले के सभी ANM सब सेंटर पर भी हर बृहस्पतिवार को अंतराल दिवस पर अंतरा और छाया की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। कोरोना काल में योग दंपतियों के लिए परिवार नियोजन के अस्थायी साधन पहली पसंद बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 102 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रियाशील हैं। इनमें से फिलहाल 20 केंद्रों और 6 नए PHC पर स्टाफ को प्रशिक्षित कर अंतरा और छाया की लॉन्चिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट UPTSU के डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट DFPS के सहयोग से इसी माह प्रशिक्षण संपन्न करा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 529 ANM सब सेंटर पर अस्थायी साधन कंडोम ICU ECP OCP पहले से उपलब्ध है। ANM को प्रशिक्षित कर के उसके उपरांत अंतरा और छाया की सुविधा नियमित तौर पर सभी ANM सब सेंटर पर पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, COVID-19 में जो हमारे परमानेंट मेथड्स स्टरलाइजेशन के थे वो हम लोगों ने बंद कर रखा था। कोविड को देखते हुए नसबंदी शिविर जिसको कहते हैं वो बंद कर रखा था, लेकिन अन्य जो हमारे परिवार नियोजन के अस्थाई साधन हैं उनका प्रचार प्रसार और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम करते रहे हैं, क्योंकि VHND भी हमारी होती है, टीकाकरण दिवस भी हमारा मनाया जाता है, इसलिए वहाँ पर वो सारी सुविधाएँ हम देते रहते थे। अंतरा और छाया दो नई चीज़ें थीं जो कि शुरुआत दौर में हम लोगों ने पहले महिला अस्पताल में शुरू किया, फिर बाद में सारी PSC CSC पे भी शुरू किया। हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर 52 हेल्थ वेलनेस सेंटर बन के तैयार हो गए हैं, जहाँ पे हम CHO पोस्ट कर पा गए हैं। कुछ CHOs की कोविड में ड्यूटी लगी है, कुछ जगहों पे वो काम कर रही हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि अंतरा छाया और जो भी अस्थाई विधियाँ हैं इसके बारे में हम वहाँ से भी प्रचार प्रसार करें और लोगों को मुहैया कराएँ, तो इससे एक तरह से हमारे जो अस्थाई साधन हैं उसके बारे में लोगों को काफ़ी जानकारी भी हो जाएगी और उसका प्रयोग भी बढ़ेगा, और जो हमारी परमानेंट मेथड्स हैं उनको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। सर, ये जो व्यवस्था मिलेगी सिर्फ ANM सेंटरों पर मिलेगी या जिला अस्पताल? महिला अस्पताल में तो पहले से ही मिल रही है, PSC CSC पे पहले से ही मिल रही है, ANM सेंटर्स पे पहले से ही मिल गई। अब हेल्थ वेलनेस सेंटर हमारे बन गए हैं, जो सब सेंटर अपग्रेड होकर हेल्थ वेलनेस सेंटर बन गए हैं वहाँ पर भी हम ये सुविधा दे रहे हैं, और जो हमारी PSCs भी हेल्थ वेलनेस सेंटर बन गई हैं वहाँ पर भी ये सुविधा।